गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूँ अभी बीर बिलिंग में। तो ये एक्चुअली जो जगह है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, इसका नाम चौगन है, जो बीर से थोड़ा पहले ही है। और यहाँ पे मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे जब आने से पहले मैं देख रहा था booking.com पे, तो उस पर मुझे ये सबसे चीपेस्ट पड़ा था। और ये कितना था ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको एक बार हॉस्टल टूर कराता हूँ, हॉस्टल टूर के बाद बताऊँगा कि ये हॉस्टल मुझे कितने में पड़ा। हॉस्टल का व्यू ज़बरदस्त है, पूरा ये ग्रीनरी और स्टेप जो खेतों के बीच में, बिल्कुल शांति वाला माहौल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है यहाँ का। बस अभी तो आराम से चारों तरफ इसके जो हिमाचल में जैसा आप सोच के आओगे वैसा फील होगा यहाँ पे, बिल्कुल रिलैक्स। आसपास दूर दूर घर है यहाँ पे। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। सब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, टीवी भी है। ये ऊपर है जो मेरा डोर्म है, नीचे भी है और ऊपर भी है। ये कॉमन एरिया है बैठने के लिए, आप यहाँ पे खा पी भी सकते हो बैठकर। बेंचेस लगाए हुए और आप फ़ोन अपना लगा सकते हो चार्जिंग पे, लैपटॉप काम कर सकते हो यहाँ बैठ के। और नज़ारा देख ही रहे हो आप, और विंटर्स में फायर के लिए वो बनाया हुआ है बैठने के लिए। ये बिन बैग दिए हुए, काफ़ी अच्छा है। पीछे से दिखाता हूँ आपको व्यू। ये पीछे देखिए, पूरा दूर तक हरे भरे पहाड़, और वो पीछे ऊपर पहाड़ की चोटियों पर बर्फ गिरी हुई है, तो बर्फीले पहाड़ भी यहाँ से दिख रहे हैं। अभी चलते हैं हॉस्टल के अंदर, दिखाता हूँ आपको। और ये है मेरा हॉस्टल, ये इसमें 6 बेड का डोर्म है। ये मेरे वाला बेड था, बेड और काउच, ये बेड सीट सब बढ़िया कंफर्टेबल है। हेलो, आप कहाँ से हो? बक्सर बिहार। ओ बक्सर बिहार, तो कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्टल का? बहुत बढ़िया। हेलो, ये अपना काम कर रहे हैं यहीं पे, आप कहाँ से हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, कितने दिन से हो आप यहाँ पे? 15-20 दिन। तो 15-20 दिन से इसी सेम हॉस्टल में, तो ठीक है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो ये है हॉस्टल, वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। वॉशरूम भी स्पेशियस है, अच्छा है वॉशरूम भी। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो इसीलिए थोड़ा मैसअप हो रखा है, साफ सफाई अभी हुई नहीं है। और ये हॉस्टल मुझे पड़ा booking.com से 350 रुपये में। तीन जन आए हम यहाँ पे, मैं और 2 मेरे फ्रेंड है, तो उनके भी डोर्म इसी में थे। एक का मेरे ऊपर वाला था, एक का साइड में था। तो booking.com से तो ये इतने में था। अभी मैं इसके ओनर से पूछ के बताता हूँ कि ओन डोर आके अगर एट अ टाइम बुकिंग होगी तो कितने का होगा। और ये हॉस्टल के ओनर, हेलो, आपका नाम बता दीजिए। शुभम। तो इस प्रॉपर्टी में बंक बेड्स, आई मीन हॉस्टल है, प्राइवेट रूम भी है? हाँ, प्राइवेट रूम भी हैं, 2 प्राइवेट रूम हैं और 3 बंक बेड्स हैं, जिसमें से 2 4 बेड हैं और 1 6 बेड है।
और किचन मतलब खाने पीने के क्या है? इनहाउस किचन है। इनहाउस किचन है, इनहाउस किचन है हमारा, छोटा सटल सा कैफे है। ओके, तो इसमें किचन की जो फैसिलिटीज है वे टाइमिंग अवेलेबल किस टाइम तक रहता है सर? हमारा किचन ऐसे ही ऑन हो जाता है 10 मॉर्निंग में। ओके, और इवनिंग मतलब लेट नाइट 10 तक चलते हैं, मतलब 10 लास्ट ऑर्डर हम 9:30 ले लेते हैं। ओके, और ये प्राइवेट रूम का चार्ज क्या रहेगा वन नाइट? डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, ओके, सीजन पे। हाँ, ईयर के दो मंथ बिल्कुल आउट ऑफ ऑपरेशन रहता है क्योंकि मॉनसून की वजह से पैराग्लाइडिंग इज आउट ऑफ ऑपरेशन। सो तो वो टू मंथ्स कौन से है? वो टू मंथ्स है 15 जुलाई टू 15 सितंबर, जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू 15। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे इन दिनों में जो समर वेकेशन चले हुए हैं उनमें शिमला मनाली काफी क्राउड जाता है। हाँ, तो इन दिनों में इतनी जबरदस्त भीड़ है, ट्रैफिक जैम भी 3-3, 4-4 किलो। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, टूरिस्ट है लेकिन क्राउड नहीं है। थोड़ा ऐसे एक्सपेंड हो रहा है अभी। हाँ। और अभी डेस्टिनेशन बनना शुरू हुआ है, अभी लोग जाना एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो पैराग्लाइडर्स है जो पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं वही आते हैं, वैसे टूरिज्म बहुत कम है मेरे ख्याल से। नहीं ऐसा नहीं है, पहले था ये। हाँ। आज के एक साल दो साल पहले था जो सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने आते थे लोग, लेकिन अब बीर बना रहा है, मतलब धीरे धीरे अपनी एग्जिस्टेंस बना रहा है विदाउट पैराग्लाइडिंग। ओके, तो वो जैसे मैंने ये हॉस्टल बुक किया था booking.com से, अगर ओन मुझे ये पड़ा था 350 अराउंड फॉर वन नाइट, अगर कोई बंदा ओन डोर आके एट अ टाइम बुकिंग करता तो क्या चार्जेस रहते हैं? या चार्जेस मैंने आपको बताया, चार्जेस हमारे फ्लैक्चुएट करते हैं एज पर अवेलेबिलिटी। जैसे आज है, आज अगर कोई आता है, आज वीक डेज है तो आज जैसे कल आपने बुक करा था तो कल भी वीक डेज था। ओके, तो आज भी सेम ही होगा, बट हाँ वीकेंड पे जैसे क्राउड ज्यादा हो जाता है तो वीकेंड पे थोड़ा स्लाइटली हाई रहता है प्राइस। मतलब कितने तक जाता है आज आजकल में कि कोई करेगा? वेरी करता है, 500-350 में वेरी करता है। तो ये थे हॉस्टल के ओनर मिस्टर शुभम, शुभम इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हॉस्टल की वीडियोस, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।